लो। लोग बिहार के सिटी पटना में गए थे। अच्छा, तो कोई खास वजह वहाँ जाने की? वहाँ पे हमारे बाबा के रिलेटिव रहते हैं, रिश्ते के चाचू, उनसे मुलाकात भी नहीं थी। अच्छा, यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेशन भी काफी साफ सुथरा था। उसके स्टेशन के सामने जो है एक मंदिर था। अच्छा, हाँ, महावीर मंदिर था वो, और वो मतलब देखते ही पता चल जाता है मंदिर का। तो कैसा दिल्ली का स्टेशन कैसा लगा? अच्छा था, वहाँ पर काफी अच्छा लगा हमें, इंजॉय भी करा, लेकिन हम ज्यादा टाइम रुक नहीं पाए वहाँ पर। आपको कैसा लगा नूर, आप भी बताए ना? स्टेशन कैसा लगा वहाँ का? साफ था। अच्छा, और साफ सुथरा था, लोग वहाँ के काफी अच्छे थे, नेचर अच्छी थी। हम मार्केट में गए तो मतलब वहाँ के लोगों को पता चला कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो कोई हमें कोल्ड ड्रिंक का ऑफर कर रहा है, कोई हमें चाय की ऑफर कर रहा है, तो मतलब बहुत बहुत अच्छी नेचर के वहाँ के लोग हैं ना, मतलब कोई बुराई नहीं। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम थोड़े डरे हुए थे कि हम इंडिया जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो मतलब कैसा होगा क्या होगा, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। दोस्तों, दो पाकिस्तानी सुंदर सुंदर लड़कियां भाई जो इंडिया में आती है घूमने के लिए, और इंडिया में आने के बाद इतनी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है कि पाकिस्तान में जाके इसकी तारीफें करने लगती है। तारीफ इतनी करते कि भाई रिपोर्टर भी हैरान हो जाता है जो इंटरव्यू ले रहा था, क्या कर कह रही है पाकिस्तान की जो लड़कियां इंडिया आई थी। चलिए सुनते हैं। वहाँ जाने की, वहाँ पे हमारे बाबा के रिलेटिव रहते हैं, हमारे रिश्ते के चाचू, उनसे मुलाकात भी नहीं थी। अच्छा, और आप खुद भी बिहारी कम्युनिटी से ही हैं? जी बिल्कुल, हम लोग भी बिहारी से ही हैं और यहाँ पे रहते हैं हम लोग, गुलशन बिहार में। अच्छा जी जी, बिल्कुल, गुलशन बिहार एक कराची का काफ़ी जो है एरिया है, फेमस एरिया भी कह सकते हैं, औरंगी टाउन है उसके साथ गुलशन बिहार। कितने बिहारी काफ़ी मेरे ख्याल में रहते हैं आपके? जी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे बिहारी हमारे। जी जी, अच्छा, तो ज़रा बताइए कि जर्नी के बारे में अपना बताइए कि कैसी आपकी जर्नी रही, कब जाना हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, हमारा पटना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी मज़ा आया। हम लोग यहाँ से, सबको पता है कराची से तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, इंडिया थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जाने में, तो हम लोग यहाँ से लाहौर गए थे। लाहौर के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करा और फिर जो चेकिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा हम लोग नर्वस थे, थोड़ा सा डरे हुए भी थे, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी हम लोगों की कि डर थोड़ा कम हो गया हम लोगों का। ये अभी भी डरी हुई लगनी है थोड़ी। ऐसे अच्छा, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने चेकिंग वगैरह के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करा, फिर हम लोग अमृतसर से हम लोगों ने टैक्सी करी थी अपनी प्राइवेट जो होती है। जी जी। उसके बाद फिर हम लोगों की ऑलरेडी बुकिंग हुई हुई थी ना स्टेशन पे। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग दिल्ली से थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टे करा, हम ज़्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा वहाँ का वीज़ा था नहीं दिल्ली का, तो ज़्यादा रुकने नहीं देते, तो हम लोग दिल्ली से वहाँ पर गए थे स्टेशन। अच्छा, ट्रेन कौन सी थी, याद है आपको? पूर्वा एक्सप्रेस थी। हाँ याद है बिल्कुल, पूर्वा एक्सप्रेस। तो भाई बताइएगा इस ट्रेन के बारे में, आप लोगों ने ट्रैवल किया नहीं किया, और मैं कोशिश करूँगा कम ही बोलूँ, आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि गैस को बोलने नहीं देते, लेकिन जहाँ गैस थोड़ा सा जो है रुक जाएगा नर्वस होगा तो ज़ाहिर बोलना पड़ा। अच्छा, तो पूर्वा एक्सप्रेस में आपका ट्रैवल था, तो कैसा दिल्ली का स्टेशन कैसा लगा? अच्छा था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा हमें, इन्जॉय भी करा, लेकिन हम ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए वहाँ पर। आपको कैसा लगा नूर, आप भी बताए ना? स्टेशन कैसा लगा वहाँ का? साफ था। अच्छा, और अनाउंसमेंट वगैरह सुनी वहाँ की? एक अलग ही अनाउंसमेंट होती है ट्रेन की जो है। अच्छा, तो फिर बताएं, और उसके ट्रेन में सफ़र आपका स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमारा ट्रेन का सफ़र, पहले तो हम लोग थोड़े डरे हुए थे। अच्छा, ट्रेन में? हाँ, क्योंकि विदाउट टिकट थे क्या जो डरे? नहीं, विदाउट टिकट तो नहीं, लेकिन कराची की और पाकिस्तान की ट्रेन में तो हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो अपने तो मुल्क की बात अलग है, लेकिन हम एक अलग सी जगह पे गए थे जहाँ हम किसी को जानते नहीं थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नर्वस थे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा हमें, तो हम लोग पहले तो जाके हम ट्रेन में बैठ गए थे नॉर्मली। उसके बाद फिर काफ़ी मज़ा आया वहाँ की फैमिली से। और आपके साथ और कौन थे? आप दोनों बहनें थी और कौन था? पापा थे हम लोग। अच्छा, मामा और बाबा थे। अच्छा, तो ट्रेन में कैसा था, लोगों से बात बात हुई या क्या, थोड़ा बताएं? हाँ, लोग काफ़ी पहचान गए थे कि हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, बोलचाल से हिसाब से? अच्छा अच्छा, सही। तो क्या उनको कैसा बिहेवियर कैसा था, क्या उनका रवैया था? अच्छा बिहेवियर था उनका, और हमें ट्रेन में एक बिहारी फैमिली भी मिली। एक्चुअली मेरी जो बहन है, मतलब मैं, हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ट्रेन के लिए, तो ये वहाँ पर हर चीज़ को ना बहुत उससे देख रही थी ट्रेन की कि इधर जाना उधर जाना। मम्मा थोड़ा डर रही थी कि भाई पहली पहली बार कहीं इधर उधर मिस ना हो जाए, हाँ कहीं गलती से नीचे ना उतर जाए हमारी ट्रेन, फिर मिस हो जाए, तो इधर उधर ये चीज़ें देख रही। तो वो आंटी काफ़ी देर से ना हमें नोटिस कर रही ना कि क्या कर रहे हैं, मतलब होता है, तो आखिर में उन्होंने हमें टोक ही दिया कि जो है ना, आप लोग यहाँ पे क्या पहली बार बैठे हैं, आप क्या पहली बार ट्रेन में बैठी है ना, तो हमने कहा कि जी बिल्कुल, हम इंडिया की ट्रेन में तो पहली बार बैठे ना, तो अच्छा। काफ़ी हैरत से शक्ल देख के बोली कि नहीं, इंडिया की ट्रेन में क्या मतलब ना, तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम पाकिस्तान से और हम लोग जो है ना पटना जा रहे हैं, तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम पहली बार ट्रेन में बैठे, तो काफ़ी उनसे अच्छी हमारी ना बातचीत हो गई थी, उनसे एक तरह से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने अपने घर इन्वाइट भी करा था हमें कि आप आइएगा पाकिस्तान से हैं, तो लेकिन अब आपको पता है कि बिहारी का सुन के कैसा उनको लगा कि पाकिस्तान में बिहारी रहते हैं, वो रहते हैं मतलब? हाँ, वो मतलब खुश भी थी कि मतलब हमारी जबान के वहाँ पर भी हैं, तो बिहारी को फिर पूछने लगी आप कहाँ से हैं क्या है, हम लोगों ने बताया, वो भी एक्चुअली बिहारी ही थी, तो इसीलिए हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा और अच्छी हो गई। फिर उसके बाद वो काफ़ी मतलब पाकिस्तानी ड्रामा वगैरह की बात करने लगे। अच्छा। तो हमें खुशी हुई कि मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में देखे जाते हैं। मेरे पास तो मोर रिसेंटली अभी खत्म हुए कुछ टाइम पहले, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था, और अभी एक दो ड्रामे और चल रहे हैं जो वहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो वो उन सबका बता रही थी। सही सही। तो खाना वाना ट्रेन में ट्राई किया नहीं किया? जी हमने खाना लिया था ट्रेन का ना, तो काफ़ी अच्छा था।
था और वहीं पर ही मिल रहा था खाना और ताज़ा था बिल्कुल, बहुत साफ़ सुथरा था, ऐसा नहीं था कि गंदा हो। हम लोग मतलब सोचें खाने से पहले, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी थी, ट्रेन भी साफ़ थी और वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। आपने खाया, इनको नहीं दिया था खाना? अच्छा, तो आप भी बताओ आपको कैसा लगा ट्रेन का खाना? अच्छा था, वो वहाँ पे थाली के अंदर देते हैं खाना ना, अच्छा, तो इसलिए तो काफ़ी यूनिक सी थी। अच्छा अच्छा, थाली टाइप मतलब वो चीज़। सही सही। और उसके अलावा फिर आगे कैसी जर्नी कैसी रही? मतलब जाहिर है ये भी काफ़ी रूट लंबा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो काफ़ी लंबा है, 13-14 घंटे का सफ़र है। अच्छा। तो उसमें तो मतलब ट्रेन में काफ़ी अच्छा रहा और खाना भी हमें मिल रहा था, चाय और कॉफ़ी भी मिली। तो इन्होंने तो चाय ट्राई करी थी और महंगी थी, सस्ती थी? नहीं, ठीक थी यहाँ के हिसाब से। हाँ, यहाँ से हिसाब की तो कम थी और अच्छी थी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी और मतलब हर चीज़ ताज़ी गर्म थी, ऐसा नहीं था कि ठंडी मिल रही हो, नहीं ऐसा नहीं था। इन्होंने तो चाय ट्राई करी, मैं चाय नहीं पीती तो मैंने कॉफ़ी ट्राई करी थी जो कि बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कॉफ़ी। और वहाँ का खाना वगैरह भी अच्छा था, वो चावल और दाल और सब्ज़ी काफ़ी उन्होंने ना तरीके से हर सेक्शन हर चीजें बहुत तरीके से दी थी, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर कैसा रहा वहाँ पटना, आप पहुँचे स्टेशन, कैसा रहा वहाँ का? हाँ, पटना कैसा का लगा? मतलब पटना का स्टेशन हम लोग जब उतरे तो वहाँ पे मतलब बहुत 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 अच्छा स्टेशन था, बड़ा काफ़ी था। और उसके जब हम बाहर निकले तो बाहर उसके दीवारों पे आर्ट हुआ हुआ था, कुछ ड्रॉ हुआ हुआ था, हम तो समझ नहीं पा रहे थे क्या, बट कुछ डिज़ाइन सा था, लेकिन वो बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा था, उसके स्टेशन के सामने जो है एक मंदिर था। अच्छा। हाँ, महावीर मंदिर था वो, और वो मतलब देखते ही पता चल जाता है मंदिर का, तो एक अलग सा ही होता है। उसके थर्ड फ्लोर तक था, उसके बाद उसकी काफ़ी लंबी बिल्डिंग थी, तो हम लोगों ने पूछा करा देखा तो पता चला कि ये महावीर मंदिर है। हाँ सही। तो फिर स्टेशन से घर गए, तो फिर कैसा वहाँ सिटी कैसा लगा आपको ओवरऑल जो है, अगर बात की जाए पटना का? मगर बस थोड़ा सा था कि जो है रोड वगैरह ऐसी थे, कचरा वगैरह था थोड़ा। अच्छा। दोस्तों, दो पाकिस्तानी बहनें भाई इंडिया घूमने आती है और भाई बड़ा उनका मन लग जाता है इंडिया में, इंडिया के स्ट्रीट फूड से, इंडिया के कल्चर से, इंडिया के लोगों से मिलकर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं 1947 में बंटवारे से पहले जो है पाकिस्तानी जो है इंडिया में रहते थे, जो उनकी फैमिली थी इंडिया के बिहार में रहती थी, तो उन लड़कियों को भाई अपने घर में जब आकर मौका मिला तो उनका मन कर गया कि हम यहाँ से वापस ना जाए। इंडिया में आने के बाद भी पाकिस्तान लड़के भाई मदहोश हो गई, उनको लगा कि भाई इससे अच्छी जगह नहीं है, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से लोग रहते हैं। और भाई इंडिया पाकिस्तान से कितना ज़्यादा डेवलप है, जैसे हम वीडियोज़ में देखते हैं पाकिस्तानी जो लड़की बोल रही है भाई, जैसे हमने पता लगा भाई वीडियो में देखा है सुना कि इंडिया में बहुत तरक्की नहीं है, इंडिया बहुत गरीब देश है, तो भाई उन्होंने यहाँ पे आने के बाद सारी सोच जो है उल्टी हो गई, उन्हें लगा कि भाई मैं तो किसी दुबई जैसे शहर में आ गई हूँ और इतना हाईटेक जो इंडिया बन चुका है हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। और ये उन भाई ने पछतावा भी हो रहा है कि हम इंडिया से वापस पाकिस्तान में ही क्यों गए, हम इंडिया में रहते थे तो कितना अच्छा था। दोस्तों, ये थी भाई पाकिस्तानी जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ, दो बहनें भाई इंडिया में आकर के इतनी तारीफ़ कर रही है। और भाई बड़ा अच्छा लगता है जब पाकिस्तान के लोग इंडिया में आते हैं और भाई जाके पाकिस्तान में तारीफ़ें करते हैं इंडिया की, तो भाई जो रिपोर्टर्स जो इंडिया की बुराइयाँ करते हैं उनके मुँह बिल्कुल बंद कर देती है वीडियो। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे भाई इन दो पाकिस्तानी बहनों के बारे में, अगर ये वापस आती तो क्या आप इनको कितना प्यार दोगे, क्या इनके लिए आप करोगे? तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइए कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।